यही बीएसपी का कहना है, यही सपा का कहना है, यही आरजेडी का कहना है, यही अन्य सभी दलों में हमारे बैठे नेताओं का कहना है। मित्रों, आप सिर्फ एक संकल्प ले लो, हमें हमारा नेतृत्व आज देखिए, कोई भी नेतृत्व जिंदगी भर जिंदा नहीं रहता, एक अपना सेक्रीफाइस करता, अपना एक मूवमेंट बनाता, दूसरा उस पर आगे चलता है। आज जो भूपेश बघेल जी ने इस भारत की संवैधानिक जिम्मेदारियों के बीच में जो निर्णय लिया है, हम सब लोगों को एक से करना चाहिए। अगर बीएसपी के हो तो बीएसपी से कहो लड़ाई अपनी चाहे कितनी भी लड़ लो, लेकिन अब हम एक नेतृत्व के पीछे खड़े हैं। कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी, इस तरह के नारे छोड़ो, नेता को अपने में ढूंढ लो, बस मेरा इतना ही कहना है। वरना एक एक करके अभी तक पिटे हो, आगे भी पिटते रहोगे, और तुम जिन नेतृत्व के बीच पढ़ा लिखा आदमी सबसे ज्यादा सब बुरा लगेगा, हम जितना निकृष्ट कोई नहीं। गरीब आदमी चाहे मायावती ने ठगा हो, चाहे राजनाथ सिंह ने ठगा हो, या किसी ने भी ठगा हो, मैं ठगा सब नहीं कहूंगा, भ्रमित किया हो वो उनके पीछे खड़ा होता है, ओबीसी का भी, एससी का भी, मारवाड़ी का। लेकिन ये पढ़ा लिखा हर समय अपना नेतृत्व निकालने के चक्कर में ये पक्ष को बर्बाद करता रहा है, भ्रमित करता रहा है। तो आइए हम एक जो होकर के संकल्प लें कि अब हमें चमकता हुआ एक नेतृत्व मिल रहा है, जो पूरा प्रदेश का नेतृत्व आपके पीछे जब होगा, देश में भी सने सने करके ये भी आगे बढ़ेगा। और आज का ये संकल्प दिवस मान के चलिए कि हमने अभिनंदन इस बात के लिए नहीं किया है जो मुख्यमंत्री और 10% जो एससी का रिजर्वेशन दिया है, हमने आज इस बात का संकल्प किया है कि भारत के भविष्य की तकदीर लिखने में अगर कोई प्रधानमंत्री आज के समय में बनाया जा सकता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, वो चमकता हुआ सितारा हम लोगों के पीछे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।